पंखों की जरूरत पंछियों को है, तुम बस हौसला रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू जयप्रकाश आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हिंदी MCQ सेशन में। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के टॉप 20 प्रश्न। प्रश्न एक, हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन से हैं? ए च छ ज झ, बी त थ द अर्थ, सी त थ द ध, डी श श स ह। सही उत्तर है डी श श स ह। प्रश्न दो, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। ए दीर्घ, बी गुण, सी यण, डी अयादि। सही उत्तर है ए दीर्घ। प्रश्न तीन, निम्न में से धूप का पर्यायवाची शब्द है। ए घाम, बी निदाग, सी आतप, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न चार, धूप का विलोम होगा। ए गर्मी, बी घाम, सी छाया, डी उजाला। सही उत्तर है सी छाया। प्रश्न पांच, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ए हंस, बी ऋतु, सी आचार्य, डी पंडित। सही उत्तर है बी ऋतु। प्रश्न छह, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ए इतना, बी गलत, सी सर्वत्र, डी सर्वदा। सही उत्तर है ए इतना। प्रश्न सात, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? ए आज, बी इधर, सी परंतु, डी लड़का। सही उत्तर है डी लड़का। प्रश्न आठ, प्रसाल शब्द का अर्थ है? ए पक्षी, बी आम, सी केला, डी चमक। सही उत्तर है बी आम। प्रश्न नौ, जातिवाचक संज्ञा शब्द है? ए आम, बी रसीला, सी वकील, डी कामायनी। सही उत्तर है सी वकील। प्रश्न दस, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? ए मिट्टी, बी मक्खी, सी मच्छर, डी मछली। सही उत्तर है बी मक्खी। प्रश्न ग्यारह, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए हींग, बी हस्त, सी हस्ती, डी हीरक। सही उत्तर है ए हींग। प्रश्न बारह, पराव उपसर्ग का अर्थ है? ए उल्टा, बी बाहर, सी भीतर, डी आसपास। सही उत्तर है ए उल्टा। प्रश्न तेरह, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है? ए मन, बी दीप, सी सा, डी जल चुका। सही उत्तर है सी सा। प्रश्न चौदह, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। ए अंधे की सहायता करना, बी ना समझ को रोशनी देना, सी ना समझ को उपदेश देना, डी अंधे का रास्ता रोशन करना।
सही उत्तर है सी, ना समझ को उपदेश देना। प्रश्न 15, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो के लिए एक शब्द होगा। ए सुकवि, बी महाकवु, सी आशुकवि, डी राजकवि। सही उत्तर है सी आशुकवि। प्रश्न 16, दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ है। ए धूप में दौड़ना, बी कठोर काम करना, सी कठोर परिश्रम करना, डी बहुत अधिक काम करना। सही उत्तर है सी कठोर परिश्रम करना। प्रश्न 17, निम्न में सममांत्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। ए दोहा, बी चौपाई, सी सोरथा, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है बी चौपाई। प्रश्न 18, छंद से संबंधित गुणों की सही संख्या है। ए 6, बी 7, सी 8, डी 10। सही उत्तर है सी 8। प्रश्न 19, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। ए विभाव, बी अनुभाव, सी स्थायी भाव, डी संचारी भाव। सही उत्तर है डी संचारी भाव। प्रश्न 20, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। ए निर्गुण, बी सगुण, सी सूफी मतवादी, डी वैष्णव मतवादी। सही उत्तर है ए निर्गुण। और ये है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। और ये है आज का प्रश्न, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी के साथ आज के टॉप 20 प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद है आज आपने कुछ नया सीखा होगा जो निश्चित ही आपकी परीक्षा में मददगार सिद्ध होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने भाइयों, बहनों, दोस्तों और अपनी सहेलियों के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अगले सेशन में फिर इसी चैनल पर इसी समय आपसे मुलाकात होगी और फिर नए प्रश्नों पर बात होगी। तब तक आप बने रहिए MCQ मास्टर के साथ। धन्यवाद।